स्टार्ट करें। ओह वेरी गुड, नेक्स्ट। ओहो मिस हो गया। वाह चलो 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 चलो। ओहो फिर मिस, ये भी हो गया। मैं करता हूँ, पहले आपने किया था, अब मैं करूँगा, मैं जल्दी दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब यहाँ पर मैं और जामिल जो है ना वो हम खेल रहे थे ये जो क्या उसे कहते हैं कि निशाना लगाने वाली जो गेम होती है ना, डॉट वाली गेम, तो वो हम खेल रहे थे। और साथ ही जो है ना थोड़ी देर के बाद आ गया था हमारा दराज का जो पार्सल था। ये मैंने दराज से फर्स्ट टाइम ऑनलाइन शॉपिंग की है, 11:11 की जो सेल होती है ना उसमें मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया, क्योंकि बच्चे तो मंगवाते रहते हैं ऑनलाइन कोई ना कोई चीज़ें, लेकिन मैंने अपने लिए जो है ना कभी पर्सनल इस तरह कुछ भी नहीं मंगवाया। और मेरी काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं बाय करूं मार्केट से, लेकिन फिर पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बंदा रह जाता। तो इस दफ़ा जो है वो 11:11 की सेल थी, तो मैंने बच्चों से कहा कि मुझे जो है ना आपने ये बहुर बर्नर जो होता है ये मुझे मंगवा के देना है। इसकी रियल प्राइस जो है ना वो 2500 थी, लेकिन ये कि मुझे जो है इसमें दराज की जो 11:11 की सेल थी ना इसमें मुझे ये 950 का मिला, और डिलीवरी चार्जेस के साथ इसकी जो टोटल प्राइस थी ना वो 1100 में पड़ी। तो फिर भी काफ़ी रीज़नेबल रेट में मुझे मिल गया और बहुत अच्छा ये रहा। इसकी वर्किंग बहुत ज़बरदस्त थी, मैंने इसको लगा के चेक किया कहीं कोई ख़राब तो नहीं है, तो ये कि रिटर्न भी कर लेते हैं दराज वाले, लेकिन इसकी वर्किंग भी बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें बहूर जो है वो मेरे पास था, तो थोड़ा सा मैंने वो इसमें डाला ताकि मैं देखूं कि इसकी जो इसकी स्मेल वगैरह भी आती है, चलता भी सही तरह है यानी गर्म करता है यानी। तो माशाल्लाह से इसकी जो वर्किंग यहाँ भी इसकी वर्किंग बहुत ज़बरदस्त थी, यानी कि अगर यहाँ पर इसकी रैंकिंग की जाए तो मैं इसको जो है ना 10 में से 10 मार्क्स दूंगी, क्योंकि बहुत अच्छी वर्किंग थी। अक्सर दराज की चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं भी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम मंगवाते कुछ हैं और हमें मिलती कुछ हैं, लेकिन इसको जब मैंने मंगवाया तो मुझे कि बहुत अच्छा लगा। और अगर आप भी इस तरह की कोई चीज़ मंगवाना चाहें तो मैं आपको ज़रूर मशवरा दूँगी कि दराज से ज़रूर मंगवाएं। अब तो खैर सेल ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट टाइम या अगर कभी आपका मूड हो तो आप लोग ज़रूर मंगवाएं। और अब मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी कुछ बचपन की यादें, कुछ बातें। लास्ट टाइम एक दफ़ा मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि मैं गांव गई थी अपने, मुझे थोड़ा सा काम था, तो वहां पर ना मुझे एक बैग नज़र आया जिसमें ना मेरी मेरी जो बचपन की यादें उसमें थी। और वो यादें क्या थी ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि गुड़िया जो डॉल्स मेरे पास होती थी बचपन में, उनके कपड़े जो है मैं खुद स्टिच करती थी, और ये ढेरों ढेर कपड़े जो है ना मैं बनाती थी। मेरी जो अम्मी है ना उनको कपड़े सीने का सीना आता था, तो उनसे जो भी कपड़े बचते जो भी होते तो मैं अपनी गुड़ियों के कपड़े बनाती थी। और ये देखें कि मैंने मुख्तलिफ स्टाइल में कोई मैक्सी स्कर्ट्स और जैकेट्स पता नहीं क्या कुछ मैंने बनाया, मैं उस दिन देख के हैरान रह गई। ये देखें स्कार्फ भी है इसके साथ का, और ट्राउज़र फ्रॉक्स हर चीज़ हर तरह की चीज़ें जो है ना मैं बस बनाती रहती थी। ये देखें इस तरह के फ्रॉक्स और मैक्सीज वगैरह। फिर ये अम्मी से ना मैंने ये निटिंग करवाई थी गुड़िया की शॉल, ये जो है ना शाइनिंग वाले ग्लिटर वाले कपड़े, यानी कि जो जो कपड़ा बचता था ना साथ साथ मैं भी अपनी गुड़िया के बनाती रहती थी। और ये देखें ये यूनिफॉर्म है, यानी कि मेरा अपना स्कूल का जो यूनिफॉर्म होता था ना उसी के साथ का कपड़ा जो है ना मैंने लेकर अपनी गुड़िया का भी यूनिफॉर्म बनाया हुआ है। वाइट शर्ट है ऊपर ऐसे नेवी ब्लू कलर का जो ऊपर लॉन्ग शर्ट और साथ में वाइट ट्राउज़र। और ये देखें एक रैम्पर जो है ये भी मैंने बनाया था। मुझे मतलब ये चीज़ें देखकर ना मुझे बस वही बात है कि अपना बचपन याद आ गया कि बचपन जो है वो कितना अच्छा होता है। हम हर तरह की फिक्रों से परेशानियों से बिल्कुल दूर होकर बस अपने आप में मगन रहते हैं। ये देखें एम्ब्रॉयडरी जो है ना ये टूटी फूटी सी एम्ब्रॉयडरी मैंने खुद की थी अम्मी को देख देख कर, और यहाँ पर ये भी एम्ब्रॉयडरी मैंने खुद की, बस कुछ उल्टी सीधी एम्ब्रॉयडरी जो है वो मैं करती ही रहती थी और अपनी गुड़िया के कपड़े बनाती हूँ। गुड़िया ये नहीं कि एक मेरे पास तो काफ़ी वैरायटी होती थी, कम से कम 3 से 4 जो है ना गुड़िया मेरे पास ज़रूर होती थी। कोई एक टूट जाती थी फिर मैं बस फौरन से दूसरी ले लेती, बहुत शौक था ना मुझे गुड़िया से खेलने का। और यहाँ पर ये देखिए ये भी जो है ना ऐसे स्कर्ट है और साथ में ऊपर जो है ना
छोटी सी शर्ट और ये भी शलवार कमीज़ ऊपर, यहाँ पर इस तरह वेस्ट कोट सी बनाई हुई है मैंने ऊपर। हर तरह की वैरायटी मैंने देखा कि यार कितनी मेहनत करती थी मैं, और पता नहीं क्या कुछ मैं बनाती थी। मैं खुद सोच सोच के ना हैरान हो रही थी कि कैसा ज़माना था और कैसा वक्त था कि मैं इतना ज़्यादा कर लेती थी। यहाँ देखें, ये भी ड्रेसेस हैं, कुछ मैक्सीज हैं, कुछ फ्रॉक्स हैं, और मुख्तलिफ किस्म की ये पाइपिंग लगी हुई है। ये देखें, पता नहीं कैसे मुझे लगानी आ गई। और बस ये चीज़ें जो है ना बना बना कर, मुझे स्टिचिंग भी अब माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी आती है। मैं अभी तक अपने कपड़े जो है ना वो खुद स्टिच करती हूँ। ये देखें, ये फ्रॉक और इसके ऊपर यहाँ ऐसे मैंने स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं बांधने के लिए। और ये गरारा मुझे मिला, इसकी शर्ट नहीं मिल रही थी, पता नहीं कहाँ गई, और ये गरारा भी मैंने बनाया हुआ है। साथ में ये ओपन जो है शर्ट है फ्रॉक टाइप की, और ये भी पिंक कलर का, ये जो है ना यहाँ पर इलास्टिक डाला हुआ है मैंने। देखें ज़रा, मुझे खुद भी, आप भी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मेरा बचपन का, बचपन की यादें। और ये पिलो भी छोटे छोटे बनाए हुए थे गुड़िया के, ये दो पिलो भी मुझे मिले, ये भी मैं लेकर आई। और अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये गुड़िया जो है ना, ये मेरी भांजी की गुड़िया है, मैंने अपनी भांजी को दे दी है सब कुछ। मैंने कहा आप यूज़ करो, क्योंकि मेरी बेटी तो है नहीं जो मैं अपनी बेटी को दूँ, तो अब भांजियाँ हैं उनको मैंने ये सब कुछ दिया है कि आप ये सब रखो। और वो अब हर रोज़ ना कोई ड्रेस चेंज करके अपनी गुड़िया को पहना रही होती है, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो यार मेरी जो बनी हुई चीज़ें हैं ना वो बेकार में नहीं गई, कुछ कोई ना कोई तो यूज़ कर रहा है। ये देखिए, ना ना करते भी कम से कम कोई 20-25 तो ड्रेस हैं जो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किए, और इसके अलावा और भी इतने ज़्यादा थे जो पता नहीं कहाँ गुम हो गए। मुझे मम्मी ने स्वेटर बना कर दी हुई थी, सॉक्स बना कर दी हुई थी, कैप बना कर दी हुई थी गुड़िया की। तो बस यही चीज़ें होती हैं जो हम बचपन में जो है खेलते हैं, और ये हमारी यादें बनकर रह जाती हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये बचपन की यादें, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये है जनाब रात का टाइम, हम लोग निकल आए थे सदर, कुछ काम था, और ये गखर प्लाजा के सेकंड फ्लोर पर खड़े होकर मैंने ये वीडियो बनाई है सदर का नाइट व्यू। मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूँ, बस यहाँ पर थोड़ा सा काम था। उस काम करने के बाद जो है ना बच्चों ने कहा कि हमें कुछ खाना पीना है, तो चूँकि रात भी काफ़ी हो गई थी, मैंने सोचा कि घर जाके अब खाना बनाने से बेहतर ये है कि यहाँ पर ही ना खाना खा लिया जाए। ये पास ही एक दो रेस्टोरेंट थे, तो हमने टेस्टी फूड्स जो है उसको सेलेक्ट किया, और वहाँ पर जाके हमने मुर्ग पुलाव वहाँ इंजॉय किया। बच्चों के साथ जो है कभी कभी ऐसी आउटिंग होनी चाहिए। और मेरा मूड था कि मैं जो है ना रोस्ट वगैरह मंगवा लेती, साथ नान मंगवा थी, लेकिन बच्चे जो है ना वो राइस के बहुत शौकीन होते हैं, तो बस बच्चों की फरमाइश जो है हमें माननी पड़ी। और हमने यहाँ पर डिनर इंजॉय किया टेस्टी फूड से, मुर्ग पुलाव, और साथ में जो है ना रायता वगैरह था, सैलड था, कोल्ड ड्रिंक थी, शामी कबाब भी थे राइस में, और एंड पे जो है हमने फिर स्वीट डिश में गाजर का हलवा भी मंगवा लिया था। गाजर का हलवा इतना मज़े का नहीं था, लेकिन जो राइस थे ना वो बहुत मज़े के थे, और ये सिंगल प्लेट भी काफ़ी भरी हुई थी। तो बस यहाँ से हमने खाना वगैरह खाया और फिर रात को घर आ गए। तो इसी के साथ करती हूँ अपनी आज की वीडियो का एंड। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ, या फिर कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।